हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज मैं बनाने वाली हूँ देसी हॉट डॉग। आपने नॉन वेज हॉट डॉग तो बहुत खाए होंगे, आज मैं बनाने वाली हूँ वेज हॉट डॉग, वो भी एकदम देसी स्टाइल से। हॉट डॉग बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। हॉट डॉग बनाने के लिए हमें चाहिए 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, 4 स्लाइसेस वाइट ब्रेड, चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च और एक ये मैगी मसाले का पाउच और हॉट डॉग वाले बन। सबसे पहले हमने जो बॉईल किए हुए आलू लिए हैं उसे हम एक ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे ताकि इसमें कोई चंक ना रह जाए। फिर हमने जो वाइट ब्रेड ली है उसे हम एक मिक्सर जार में डालेंगे रफली चॉप करके और हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। आप ब्रेड की जगह पोहा भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने पोहा से भी टिक्की बनाई है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। ये देखिए मैंने ब्रेड को ग्राइंड कर लिया। अब हम एक बड़े बोल में ग्रेट किए हुए आलू लेंगे और जो हमने ब्रेड के क्रम्स बनाए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। 4 बॉईल किए हुए आलू लिए हैं तो हमें 4 ही वाइट ब्रेड के क्रम्स बनाने हैं। उसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और हमने जो मैगी मसाला लिया था उसका पाउच भी हम इसमें पूरा डाल देंगे। इससे टिक्की का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये ब्रेड क्रम्स, आलू और ये मसाले सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं और उसका एक डो हम रेडी कर लेंगे। अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और जिसका थोड़ा सा हम पोर्शन लेंगे जो हमने डो रेडी किया था और हम इसकी एक लंबी टिक्की बनाएंगे। जैसे कि हॉट डॉग के बन की शेप होती है उसी तरीके से हम टिक्की बनाएंगे। इस तरीके से राउंड करेंगे हम पहले और फिर हम इसको साइड से फिनिश करते हुए एक लंबी टिक्की रेडी कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारी टिक्की रेडी कर लेंगे। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। हमें इसे शैलो फ्राई करना है। एक कढ़ाई में हम बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे, थोड़ा सा ही ऑयल लेंगे। जब वो मीडियम टेम्परेचर पर गर्म हो जाएगा हम इस टिक्की को फ्राई करने के लिए डाल देंगे और इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाएंगे दोनों तरफ से। ये देखिए इस तरीके से हम इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये टिक्की अंदर तक अच्छे से पक जाए। और जब ये टिक्की हाफ फ्राई हो जाएगी हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। हम इसे हाफ फ्राई ही करेंगे। अभी हम एक नाइफ़ को पहले गैस पे गरम करेंगे क्योंकि हमें हॉट डॉग का बन काटना है। हम नाइफ़ को अगर गरम करके काटते हैं बर्गर के बन या हॉट डॉग के बन तो वो बहुत अच्छे से और सफाई से कटते हैं। देखिए ये बन कितने अच्छे से और सफाई से कट गया है। अब हम एक साफ़ पैन लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा बटर डालेंगे। बटर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। जब बटर थोड़ा मेल्ट हो जाएगा तो जो हमने हॉट डॉग का बन काटा था उसे हम इसमें इस तरीके से रख देंगे और फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि ये बन जले ना। इसे हम पलट देंगे और दोनों तरफ से अच्छे से हम इसे बटर में सेक लेंगे। अब हमने जो टिक्की रेडी की थी वो भी हम इस बटर में थोड़ा सा सेकेंगे, उससे ये टिक्की की क्रिस्पीनेस भी आ जाएगी और ये टिक्की बहुत टेस्टी भी लगेगी। इन सबको हम अलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। अब हम इसका एक पार्ट को सीधा करेंगे, उसके पर हम ये इमली की खट्टी मीठी चटनी लगाएंगे। इसकी जगह आप टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी ग्रीन चटनी लगाएंगे और जो हमने ये टिक्की बटर में सेकी है दोबारा से इसे हम इसके ऊपर रख देंगे। और मैंने इसके ऊपर चीज़ भी रखी है। चीज़ हमारी ऑप्शनल है, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा प्याज रखेंगे और जो इसका दूसरा पार्ट है इससे हम इसको कवर कर देंगे। हमारा गर्मा गर्म हॉट डॉग रेडी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।